हेलो मिर्गाटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिन का मुझे इंतज़ार था कि कब छुट्टियाँ पड़े और बेटी मेरे साथ रहने के लिए आए, तो वो दिन आ गया है। तो देखिए, मेरी बेटी आ गई है और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। हेलो हेलो हेलो, तो मैं घर आ गई हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होगी पिज़्ज़ा बनाने से। तो सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट वाला फेस, बिकॉज़ जो प्लेट मैंने ली थी वो कुकर में फिट नहीं होता, वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। देन सब कुछ करने के बाद मैंने सबसे पहले एक बन बनाया, देन पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन करी। और ये देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है, अभी बनानी है वैसे। हाँ, तो उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा अमूल चीज़ डाला, थोड़ा सा लिक्विड चीज़, चेडर चीज़ मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर मायो डाला, एंड देन हमारा यमी यमी गरम गरम पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी इतना अच्छा बनेगा, बट एक रात पहले मैंने डो तैयार कर लिया था और मेरा बहुत ज़्यादा मन था कॉलेज से आने के बाद पिज़्ज़ा बना के मम्मी को खिलाने का और ख़ुद से घर का पिज़्ज़ा खाने का। बाहर का खा खा के डिसअपॉइंटमेंट मिल चुकी है, तो इट वॉज यम्मी। और सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए और खाओ पियो खुश रहो। बाय। हेलो मेरे वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? हो आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरी लड़की आई हुई है। कल मैं चली गई थी उसे लाने के लिए, कॉलेज में छुट्टियाँ पड़ी है ना, तो अभी वो मेरे पास ही रहेगी। तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा कम टाइम दे पाऊँ, तो आप लोग अपना प्यार नहीं कम कर देना, अपना प्यार बनाए रखना, जैसे प्यार करते थे वैसे ही प्यार करना। फिर मैं धीरे धीरे रूटीन सेट कर लूँगी, फिर आप लोगों के बीच भी रहूँगी, ठीक है? और इसलिए उसको ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी है ना, क्योंकि वो अगले साल फिर पता नहीं कहीं इंटर्न वगैरह करने लगे या कहीं ट्रिप पे चली जाए तो मेरे पास आएगी या नहीं आएगी। तो जो समय हम उसके साथ गुजार सकते हैं अच्छे से, तो मैं गुजारना चाहती हूँ उसके साथ, ठीक है दोस्तों? और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और धीरे धीरे रूटीन सेट होगा, फिर मैं सबके बीच में रहूँगी जैसे पहले रहती थी, ठीक है? और आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस काम में मुझे साथ दीजिएगा, ठीक है? और आप लोग की तरफ ठंड कैसा है? मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लगा है। और ये देखो, मैं आज इस कलर का स्वेटर पहनी हूँ और सेम कलर का देखो नेल पेंट है, अच्छा लग रहा है ना? मुझे ये कलर बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता मुझे ये कलर। तो ये स्वेटर, आप लोग भी स्वेटर पहनना शुरू कर दिए होंगे है ना, तो कमेंट करके बताना। तो एक सॉन्ग अपने दोस्तों के लिए, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो दोस्तों, जब से आप लोगों के बीच में आई हूँ तब से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, आप लोगों के का वीडियो वॉच करना, आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग लाइव में भी जुड़ते हो या मेरे वीडियो पे कमेंट करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है? बाय बाय। और फ्रेंड्स, ये कुछ यादगार पिक हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग पिक देखिए और इन्जॉय कीजिए। और मैं भी अपनी बेटी के साथ इन्जॉय कर रही हूँ, ठीक है? और आप लोगों के बीच भी थोड़ा सा रूटीन सेट कर लेती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी इन्जॉय करूँगी। और फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।